हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत हो चुकी है। आप लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ और अभी मैं घर पे हूँ और आज रोज़ा रखा हूँ। रीज़न है कि आज शबे बारात की रात है, आज और कल मैं रोज़ा रखूँगा। दो दिन रोज़ा रखा जाता है। तो गैस आया हूँ छत की ओर। छत में काफ़ी सुहाना मौसम है, अच्छा है। गैस छत पे हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जैसा कि आप लोग को बताया हूँ कि आज शबे बारात है और मगरिब के बाद रात में खाना खाने के बाद हम लोग फिर चलेंगे मस्जिद की ओर। मैं, मेरा कज़न ब्रदर, वहाँ पे नमाज़ पढ़ना है। नमाज़ पढ़ सकते हैं, कज़ाए उम्री है, चाहे 12 रकत पढ़ना है, शुक्राने की नमाज़ पढ़ सकते हैं, सरातुल तौबा की नमाज़ पढ़ सकते हैं। अल्लाह रहम वाले हैं, आज बहुत बोलेंगे है कोई मांगने वाले। ऐसे तो हमेशा अल्लाह फरमाते ही हैं, लेकिन आज कुछ स्पेशल है। आज हर तौबा कबूल होती है, दुआएं कबूल होती है। तो रात में चलेंगे, फिर शाम को मगरिब बाद फिर फातिहा कराने भी जाना है और फिर मस्जिद जाएंगे, सारा कुछ दिखाएंगे, कब्रिस्तान भी जाना है, वहाँ फिर बुजुर्गाने दिन जो लेटे हुए हैं वहाँ फिर जाके फातिहा करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, वहाँ भी आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। हम कब्रिस्तान चलेंगे तो चलिए यहाँ से नीचे चलते, आप लोग को और तो दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि चना दाल का हलवा बन रहा है, वो सब भी आप लोग को दिखाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं, पहले सीढ़ी का ये रेलिंग नहीं था, कल और आज मिला के आज ही कम्प्लीट किया है। और पहले काफ़ी दिक्कत होती थी, इसलिए जल्दी बनवाया हूँ इसको। यहाँ से रेलिंग नहीं था, खाली खाली था, तो कल और आज बंदे लोग मिलके कंप्लीट कर दिए हैं और काफ़ी अच्छा हो गया, हेल्पफुल है। तो गाइस शाम हो चुकी है, शाम के 5 बज रहे, अभी जा रहा हूँ नीचे की ओर क्योंकि रोज़ा रखा हूँ और अफ्तारी की तैयारी करेंगे। खीरा गाजर कट करना है सलाद के लिए और नीचे ही हम लोग मम्मी पापा सबको ये रोज़ा रखे हैं, नीचे में ही जाके फिर अफ्तारी खोलेंगे। चलिए फिर यहाँ से चलते हैं। गाइस शाम हो चुकी है, आपकी भाभी बना रही है चना दाल का हलवा। शबे बारात को हम लोग बनता है चना दाल का हलवा, सूजी का हलवा, वही बना रही है आपकी भाभी। घर में हम लोग सब कोई रोज़े रखे हुए हैं, छोटे बहन और मेरी बेटी मिलके कट कर रही है खीरा गाजर को। अभी और 10-15 मिनट टाइम है अजान होने के लिए, उसके बाद हम सब कोई अफ्तारी खोलेंगे। तो गाइस खीरा गाजर कट करके रेडी रखा हूँ, थोड़ा देर बाद इसको मिक्स करूँगा। आप देख सकते हैं अभी 5:10 हुआ है और हमारी यहाँ 5:50 में मगरिब की अजान होती है। और अपने बेटे को ला दिए हैं फुलझड़ी, क्योंकि मैं बाहर गया था तो स्टॉल में लगाया हुआ था फुलझड़ी का दुकान वगैरह, हम सोचे ला देते हैं, मेरा मुराद देखेगा काफ़ी खुश हो जाएगा, इसलिए अपने बेटे को ला दिए हैं। और जब से ला दिए हैं वो छोड़िए नहीं रहा, पैकेट को लेके घूम रहा, कभी खेल रहा, अभी चला के दिखा देंगे। आ रहा है वो, मेरा बेटा देख के पूरा खुश हो जाएगा। और मैं जा रहा हूँ किचन की ओर और जैसा कि आप देख सकते हैं चना दाल का हलवा अभी बन रही है और घी के साथ बना रही है आपकी भाभी। सूजी का हलवा, चना दाल का हलवा दोनों बनेगा, हमारे फेस्टिवल में ये बनता ही है। और मैं किचन से फिर रूम की तरफ जा रहा हूँ। मेरी बेटी बुला रही है क्योंकि पूरी आइए पापा फुलझड़ी जलाते हैं, अब जाके वहाँ बैठूँगा मैं। मुराद मुझे बुला रहा है, इशारा कर रहा है जलाने के लिए। और मेरे बच्चे लोग मस्त खेल रहा है, दोनों भाई बहन एक साथ, मेरा बेटा तो फुलझड़ी छोड़ ही नहीं रहा, खेल रहा है मस्त अभी। और मेरी मम्मी जला दे रही है, मुराद को दिखा दे रही है फुलझड़ी। मेरा मुराद भी आ गया है और इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था फुलझड़ी को, लेकिन डर लग रहा है कहीं छीटा ना पड़ जाए, इसलिए इसको नहीं दे रहे थे, लेकिन मेरा मुराद देख रहे हो कितना खुश है। तो गाइस अब अफ्तारी का टाइम हो गया है, सब कोई लेके बैठे हुए हैं अफ्तारी का। और चना सलाद घर पे बना है, समोसा दुकान से मंगाया हम लोग,
उसके बाद फिर आ गए हम लोग मस्जिद में। और यहाँ पे जैसा कि चना दाल का हलवा हो गया, सूजी का हलवा, हम लोग पहले फातिया कराते हैं हमारे मस्जिद में। फातिया कराने के बाद फिर घर ले जाऊँगा, फिर वहाँ पे खाऊँगा। गैस घर में जला रहे मोमबत्ती। आज हर घर में, गली में, चौराहे में, सब जगह मिलेगा मोमबत्ती जलाए हुए सब बारात के समय। गैस लाइट चला गया, सुबह से लाइन नहीं है, इन्वर्टर वार्निंग दे दिया इसलिए लाइन नहीं है। और ये फेस्टिवल के लिए लगाया हुआ है, हमेशा फेस्टिवल में लगाया जाता है। चलो अब नीचे चलते हैं। बाबू मुराद ठंडा है, हमको भी लग रहा है, तो गाइज हमारा गली देख सकते हैं, हर जगह मोमबत्ती लगा हुआ है, चाहे घर में हो बाहर में हो। हमारा फेस्टिवल में मोमबत्ती चाहे घर में हो बाहर में लगाया जाता है हमारे फेस्टिवल में। और लाइट भी आप देख सकते हो लगा हुआ है, लेकिन मेरा कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं इसलिए आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरा गली बहुत सजा हुआ है। और हम मेरे दोनों चचेरा भाई, मेरा बेटा जा रहे हैं कब्रिस्तान। और इस फेस्टिवल में हम लोग हर साल रात में जाते हैं कब्रिस्तान, वहाँ पे जितने भी हमारे भाई बहन दादा दादी जो भी इंतकाल किए हुए लेटे हुए वहाँ पे, उन लोग फातिहा पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं। और ये चहल पहल रात भर रहेगी, मगरिब पास से लेकर सुबह के फजर तक रात भर ये चहल पहल रहेगी, इसीलिए लाइट डेकोरेट किया जाता है। अभी हम लोग चले कब्रिस्तान की ओर, फिर वहाँ पे हमारे मज़ार भी है। और फिर मुलाकात हो गई जाकिर भाई से, मेरा दोस्त से। ये फातिहा पढ़ के अपने घर जा रहे हैं और हम लोग मज़ार की ओर जा रहे हैं कब्रिस्तान में। और कब्रिस्तान और मज़ार दोनों ही मेरा अंदर में ही है, सटा हुआ है, जैसे कि आप माशाल्लाह देख सकते हैं, लाइट भी लगा हुआ है। देखिए ये हमारा कब्रिस्तान भी है, अंदर में मज़ार भी है। और आप लोग अभी ये थोड़ी देर में जाएंगे अंदर की ओर। और हमारा गांव का माशाल्लाह मज़ार देख सकते हैं, बाबा का नाम है हज़रत रौब शाह बाबा। मेरे छोटे भाई लोग भी मोमबत्ती जला के मज़ार में लगा रहे हैं। और माशाल्लाह ये अंदर का नज़ारा है, अभी डेकोरेट हो रही है, काम हो चल रहा है इसलिए बांस लगा हुआ है, हाल ही में प्लास्तरा हुआ है, टाइल्स लगेगा। और उसके बाद हम लोग आ गए बाहर की ओर, हम लोग जा रहे हैं घर, उसके बाद खाना खाएंगे, फिर जाएंगे मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।